मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसी भी DI पाइप के फिटिंग के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, देखिए क्या क्या लिखा रहता है। 200 × 90 mm DI, इसका मतलब है कि 90 डिग्री का बेंड है, ये देखिए, और इसका डाया कितना है, 200 mm है। इसलिए अभी आप दूसरे, और इसका क्लास भी लिखा है यहाँ, देखिए K12 क्लास का है ये। DI पाइप की फिटिंग है, इसी तरह हर एक फिटिंग में ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे इसमें आप देखिए, इसमें क्या लिखा है, लिखा हुआ है DI 300 mm की ये जो है फिटिंग है। और इसमें क्या है, डिग्री, कुछ डिग्री की फिटिंग है, जो इन्फॉर्मेशन इसके टॉप में लिखी रहती है। आप ये देखिए, ये लिखा है 45 डिग्री, 300 × 45 डिग्री, उसमें 90 लिखा था, इसमें 45 लिखा है, मतलब ये 45 डिग्री का बेंड है, ये देखिए। और इसका डाया 300 mm और क्लास K12 क्लास है। इस तरह उस फिटिंग के टॉप में ही उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। अब ये यहाँ पर देखिए, ये एक फिटिंग है, ये देखिए 100 mm का फिटिंग है, 100 mm के पाइप के लिए फिटिंग है। और ये कितना एंगल का है फिटिंग, 11.25, देखिए यहाँ लिखा है, ये देखिए 11.25 डिग्री है बेंड है ये, और ये 100 mm का पाइप है। इसी तरह अलग अलग पाइप में सारा पाइप के टॉप में ही इसका इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। देखिए रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर में देखिए क्या लिखा हुआ, 150 mm, ये क्या लिखा हुआ, इसका डाया क्या है, 150 mm। इसके बाद IS कोड इसमें लिखा है 9523 और 100 mm, 150 mm एक तरफ और दूसरे तरफ कितना है, 100 mm, यानी रिड्यूसर है, एक तरफ ज़्यादा है तो दूसरे तरफ कम है। और क्लास इसका भी 12 है, जितना फिटिंग है ये DI पाइप का, सभी का क्लास क्या है, 12 है, 150 mm एंड 100 mm का, ये क्या है, रिड्यूसर है। इसी तरह पाइप के टॉप में अब ये देखिए, ये 200 mm एंड 100 mm का रिड्यूसर है। आप देखिए यहाँ 200 mm K12 लिखा है, और यहाँ 100 mm इधर, और इस तरफ ये 200 mm। इस तरह DI पाइप के फिटिंग के टॉप में ही उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। मित्रों, अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अपने कमेंट के माध्यम से सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।